किसानों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकार की नीयत भी साफ हो गई है कि वह पीछे हटने वाले नहीं। किसान किसी भी सूरत में इन तीन बिलों को वापस लेने के लिए लगभग दो सप्ताह से सड़क पर हैं, जिसकी आग धीरे धीरे पूरे देश में फैल चुकी है। पर भाजपा यानी कि मोदी सरकार किसानों के आंदोलन से मानो पल्ला झाड़ चुकी है। किसान की ज़िंदगी बदलने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उधर किसान कह रहे हैं हम खुश हैं, हमें दुखी करने के लिए यह तीन बिल लाया गया है। वहीं किसान के आंदोलन में गोदी मीडिया भी त्राही त्राही करने लगे हैं। यह तो गनीमत है कि किसानों का गुस्सा नहीं फूटा। कल्पना करें कि किसानों का क्रोध भड़कता तो गोदी मीडिया के नुमाइंदे जो किसान आंदोलन में पहुंचे थे उनकी क्या दशा होती। फिलहाल किसानों का आंदोलन मोदी सरकार की नींद जरूर हराम कर रखे हैं। वहीं यह नज़ारा महाराष्ट्र नवी मुंबई CVD बिलापुर की है, जहां किसान के समर्थक ने मोदी सरकार के होश में आओ के नारे लगाए। कानून रद्द करा, देशातील अन्नदात्याला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, देशातील अन्नदात्याला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। भांडवलशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिनसे हमने बात की आप भी सुने। मोदी सरकार के कार्यप्रणाली पर सरकार के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने क्या कहे। जिस तरह से किसानों के समर्थन में आप लोग आ गए, आपको क्या लगता है कि अंत क्या होगा किसानों का? जिस तरह से दो हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, को तकलीफ देने वालों का अंत होने वाला है। किसानों का अंत में कुछ नहीं होगा, किसान तो लड़ते रहेंगे और अपने हक हासिल करते रहेंगे। और देखिए, दुनिया में पैसे का बहुत गुरूर पैदा हुआ है, कॉरपोरेट कंपनियों का बहुत गुरूर, जो सत्ताधारी बैठे हैं ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान ने उनको याद दिला दिया पिछले 10-15 दिनों में कि दादा आप जब सुबह उठते हो तो पानी पीते हो, डॉलर खा के आपका पेट नहीं भरता है, नाश्ते में आपको चावल नहीं तो दाल सब्जी खानी पड़ती है, ब्रेड खाना पड़ता है। जो किसान उगाता है जब अपने फसल में गेहूँ या चावल, तभी आपको खाने के नसीब आता है। आपको शाम का भी खाना किसान के नसीब से ही मिलता है। तो आप पैसे से, येन से, डॉलर से, रुपए से कुछ नहीं कर सकते। ये 10 दिन में इनको दिखा दिया है, दिल्ली जैसे राजधानी में इतनी कड़ी ठंडी में जो किसान रास्ते पर आए हैं। तो अंत, किसानों को पर अन्याय करने वालों का अंत होने वाला है, इस पर हमको पूरा भरोसा है। सर, एक बात और जानना चाहेंगे, देखा ये जा रहा है कि महाराष्ट्र में किसान का जितना सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्या वजह है इसके पीछे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, किसान का सहयोग काफ़ी मात्रा में है। आपको याद होगा तो एक साल पहले किसानों का एक बड़ा लॉन्ग मार्च ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से बम्बई तक आया था। सब किसान जैसे आज दिल्ली का दिखा दे रहे हैं आप मीडिया के माध्यम से, वही हाल बम्बई का भी, महाराष्ट्र के किसानों का भी था। और राजू शेट्टी, बाकी हमारे अशोक ढवले, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, इनके साथ जुड़े हुए कई बड़े संख्या में किसान हर दिन दिल्ली जा रहे हैं। तो ये, हाँ ये सही है कि दिल्ली के पास पंजाब और हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ की अभी ट्रेन बंद है, गाड़ियाँ बंद है, फिर भी लोग पहुँच रहे हैं, तो इसके लिए मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन समर्थन नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भारत बंद के दिन देखा, आज यहाँ देख रहे हैं हर दिन पूरे देश भर में समर्थन का कार्यक्रम चल रहा है, तो सब जगह पर जागरूकता है और सहभाग भी है। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, मोदी सरकार के कार्यप्रणाली से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं मोदी सरकार नहीं समझता हूँ, मैं ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार है पिछले 6 साल से, और ये लोग अपनी ब्राह्मणशाही और अपनी तानाशाही और अपनी कॉरपोरेट शाही के लिए जाने जाते हैं। तो ये कोशिश हरदम करेंगे, और उनको लग रहा था पिछले 5-6 साल से और ख़ास करके कोविड के दरमियान कि अब लोगों को चुप बिठाया जा सकता है, लेकिन अब उनका सर के ऊपर पानी आने का शुरुआत हो गई है। लोग उनको अपना, उनका औकात उनको दिखाएंगे। इस देश में लोकतंत्र, बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान में जो लोकतांत्रिक अधिकार है, कल के कोर्ट का क्या डिसीजन आया है? कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुसार किसान रस्ते पर बैठकर प्रदर्शन कर सकते, हम उनको मना नहीं कर सकते। तो ये लोकतंत्र है, आखिर में लोकतंत्र की जीत होगी, और इनको या तो लोकतंत्र अपनाना पड़ेगा या कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।